खुशी का ठिकाना नहीं। अचानक परसों ये प्रोग्राम आया, जगह कम थी, प्रोग्राम यहां करना इसलिए जरूरी था कि ये बड़ा गांव मऊ उद्घाटन हो, इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। 2010 में आपने ये संघर्ष शुरू किया रोड का और रेल का। 2011 में ममता बनर्जी रेल मंत्रालय था, दिनेश त्रिवेदी थे, केडी सिंह टीएमसी के सांसद थे, और खड़खड़ा में खेलों में हेलीकॉप्टर से आए तो उन्होंने कहा कि रेल का सरे इन मैम को भी छेड़गांव में गया गांव और शमशेर खड़खड़ा को जाता है। ममता बनर्जी से हम 10 बार मिले, चेयरमैन बुलाया और वो रेल पास हुई। ये श्रेय नहीं लेना चाहता। अगले दिन अखबारों में खबर, सभी रेल ले आया खड़खड़ा। मैंने कहा पास होने से रेल नहीं आएगी, रेल आएगी। मैं एक बार आपस में बोलना बंद करियो, आपस में ना बोलो भाई। सरपंच साहब होली बात ही बदलते जाओ, रोको एक बार। फिर मेरा तालमेल टूट जाएगा, कड़ी है। मैं एक बार मैं माताओं से बहनों से कहूंगा शांति से दान दे, तो रेल को पास होगी। 2011 में, 2012 का बजट आया, 13 का बजट आया, 14 का बजट आया। रिकॉर्ड की बात बोल रहा हूं मैं, झूठी बात मुझे कांग्रेसियों में इतना नहीं करनी आती। किसी भी बजट में रेल के नाम पर पैसा नहीं, जमीन इक्वायर नहीं, मुआवजा नहीं, रेल नहीं। इस तरह की रेल पास हुई तो लालू और नीतीश के टाइम की बहुत पड़ी। इस रेल लाइन की एक शर्त थी कि हरियाणा सरकार जमीन का पूरा पैसा देगी, आधा खर्चा देगी तो रेल आवेगी। और हरियाणा सरकार के उस टाइम के मुख्यमंत्री ने 12, 13 और 14 में एक भी पैसा बजट में नहीं दिया। रिकॉर्ड की बात है, गूगल पर जाके कोई भी 22 को खोल के देख सकता है। 15 में, 14 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए, सरकार चली गई। चुनाव से पहले आपकी वोट लेने के लिए एक रोड और रेल रैली के नाम पर कांग्रेसियों ने 80 सेक्टरों में रेल का पत्थर रख दिया। जमीन नहीं, इक्वायर नहीं, पैसा नहीं, और संतराम पत्थर कर की बात। गरीब न्यूटन ने आने रेल हम जाए, रेल हम जाए, रेल हम जाए। बिना रुपया हमने तो मैं 2010 में ही नहीं लिया हूं। 2015 में जब चौधरी, जब 2014 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी मैम आए तो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी इस इलाके की लाइफ लाइन है रेल। उन्होंने कहा कड़े रेल, एक रुपया तो दिया नहीं। मैं बोले जी पास होगी रुपया, आप जो रेल ले आओ, आपकी जन्मभूमि है मैम ननाड़ा में आप पैदा हुए, ये मिट्टी आपसे, जन्मभूमि आपसे मांगती है विकास। मैं 3-4 बार मिला और बजट से पहले एक दिन रात को 10:30 बजे फोन आया मुख्यमंत्री जी का के भाई सीटी बाज गई। महाराज जी के होया, बिना बजट में 3289 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया, ये रिकॉर्ड की बात है। 3289 करोड़ रुपए बजट में पास हुए, जमीन इक्वायर हुई, मुआवजा मिला, और 14 साल बाद आज आपका सपना पूरा हुआ। और उस सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में देवेंद्र भाई बबली उस वक्त के संघर्ष के योद्धा हमारे बीच में। भाई राजाड़ी और रेल लाइन दो बात अपन पकड़ रहे,
राजधानी गोर आई, 4 साल पहले उद्घाटन हुआ, कुछ मार्केटिंग बोर्ड दौरे थी, कुछ पंचायती राज दौरे, कुछ पीडब्ल्यूडी, कुछ पे कब्जे थे। 5 बार मुख्यमंत्री जी के पास फाइल गई और वो पास हुई, सारे की सारी वो पीडब्ल्यूडी को हैंड ओवर करी, टेंडर हुआ। जब उद्घाटन का टाइम आया कि जीन से करे, खड़ी बोर्ड से करे, मुख्यमंत्री जी ने उस वक्त के पीडब्ल्यूडी मंत्री राव नरबीर जी को कहा कि इसका उद्घाटन खरकड़ा गांव में जाके करिए, इसके पीछे शमशेर खरकड़ा 4 साल से फाइल लिए लिए घूम रहा है, और वो खरकड़ा मान के उसका उद्घाटन कर रहा है। उस राजधानी गोर से एक बड़ी बात हमारे दिमाग में आई, ये सारे आईओं को क्रॉस करती हुई जा रही थी। हमने कहा मुख्यमंत्री जी अम्बाड़ा से बंबई की तरफ देखो, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, किसी को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, तेल बचेगा, सफर कम होगा, टायर बचेंगे। गडकरी जी से मिले और मुख्यमंत्री गडकरी जी की जोड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की गारंटी, मनोहर लाल के संकल्प में 152D का सर्वे करवाया। और जब मैं ये कहता था 2.5 घंटे में चंडीगढ़, 2.5 घंटे में जयपुर, मजाक कराया करते कांग्रेसी जुगार रहे, झूठ के घोड़े मारे हैं। मैं एक दिन जयप्रकाश दलाल मंत्री के घर से देवेंद्र बबली के पास चाय पी के चला, 2 घंटे 16 मिनट में मैं दफ्तर में आ गया, 2.5 घंटे से कम समय लग गया। आज ये सपना साकार हुआ और जो जमीन 25 लाख रुपए की थी वो आज 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपए भाव है। 152D के बाद बात यही नहीं रुकी, हम पीछे लगे बीकानेर हरिद्वार, मैं लाखनवाजरा होती हुई एक रोड आने लग रहा है दिल्ली से कटड़ा जम्मू, वो यहां से 20 किलोमीटर दूर है। जब बीकानेर हरिद्वार आ जाएगा, 152D आ गई, कटड़ा जम्मू क्रॉस करेगा, तो ना मेरे योद्धाओं, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मेरा सवाल है, क्या ये महमल का इस हरियाणा का कनॉट प्लेस होगा कि नहीं होगा? आज मेरे को तकलीफ की एक चीज थी, भूपेंद्र हुड्डा के टाइम में नारा लगाता था कि हरियाणा नंबर 1 की आप बात करते हो तो मैम नंबर 90 क्यों, हम पिछड़े हुए क्यों? जब पिछड़े हुए इलाके का जिक्र आता था मैम का नाम सबसे ऊपर आता, ये मुझे दर्द था। एक चीज थी, भले ही मैं चुनाव आ रहा उछड़ी प्रेस में, दोनों गांव मेरे को लेके हल्के में गए और मैंने एक वादा किया था आखिरी सांस तक आपके साथ लड़ाई लड़ूंगा और मंजिल लेके रहेंगे, ना थकेंगे, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे। आज मंजिल की ओर आप बढ़ रहे हो, तेजी से बढ़ रहे हो और उसी का परिणाम है कि आज ये विकास का पहिया लगातार चल रहा है, विकास लगातार आ रहा है। विकास आज ही सब है कि मैं मलकात से रोड हो, पीडब्ल्यूडी के चाहे मार्केटिंग बोर्ड हो, अब 17 रोड मंजूर किए मुख्यमंत्री जी ने, जिसमें से 9 बाकी है, 8 बन गए, उन पे काम चल रहा है। तो आज जो है हर क्षेत्र में विकास है, इस इलाके का विकास होगा। और आज भाई मैं तो एक बात कहता हूं कि सच्चाई देर से ऊपर आती है, झूठ बहुत जल्दी फैलती है। कांग्रेस ने दूसरे लोगों झूठ फैलाने के अलावा किया नहीं, झूठ हमने बोली नहीं और बोलेंगे नहीं, हम सच्चाई का रास्ता छोड़ेंगे नहीं। और सच्चाई भले ही देर से ऊपर आए, ऊपर आएगी और मैम में कमल का फूल खिलेगा, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। अब 1.5 साल से राधा सक्रिय है, पिछली बार हमारी कमजोरी थी कि महिलाओं में काम नहीं हुआ, इस बार इसके महिलाओं में जाने से आज आप आदमियों से महिलाएं ज्यादा हैं,
ये इस बात का सबूत है कि हमारा काम महिलाओं में हुआ। मैं सलाम करता हूं मातृ शक्ति को, नारी शक्ति को, कि आज इन्होंने मैम हल्के में दीवारें भी बोलने लगी कि मैम में कमल का फूल खिलेगा, मैम में भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा विधानसभा में होगा। भाई मैं तो एक बात पूछूं, आज बीजेपी बोल रहे हमारे विरोधी भी कहे कांग्रेसी भी कहे, अगर आज तो उत्तर भी तरह भी बीजेपी का होगा, जो राज बीजेपी का होगा तो महाराज साझा क्यों नहीं? और भाई एक बार यू साझा कर लो छत्तीसगढ़ में, कमल का फूल खिला दो, और भाई फिर मेरे चाल देख लो देते हुए, फिर मैं ये दिखा दूंगा कि विकास क्या होता। तो मैं लंबी बात ना करते हुए, मेरे ख्याल में पीछे भी लाइव का टाइम हो गया, अपनी वाणी को विराम देते हुए मेरे संघर्ष के साथी छोटे भाई की तरह हमने मिलकर लड़ाई लड़ी। मैं टुवाणा का ये महिमाए और इस सारी गाथा के संघर्ष के ये हमारे साथी रहे, आज हमारे बीच में है, मैं इनका स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि इस रेल के उद्घाटन पर मुख्य अतिथि देवेंद्र बबली है। इसी के साथ देवेंद्र बबली के नाम पर जोरदार तालियां, मैं अपना स्थान लेता हूँ, धन्यवाद।